हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनाकल कोचिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है हमारी रेलवे की जीएस सीरीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टीसीएस ने पूछे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिनाकल की इस बुक में, जिसका नाम है रेलवे जनरल स्टडीज 5200 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवरेज। ये बुक इजीली अवेलेबल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पिनाकल की वेबसाइट पे जाकर ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रीवियस सेशन में हमने एक टॉपिक किया था बुक्स एंड ऑथर्स, तो इस सेशन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फटाफट से देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम अ हिंदू। आपको बताना है व्हाई आई एम अ हिंदू, ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है। ऑप्शंस क्या दिए हैं, सलमान रुशी, चेतन भगत, शशि थरूर, भीष्म साहनी। हाँ जी बताइए, राइट सी शशि थरूर। तो शशि थरूर की ये बुक है और बुक का नाम है वाई आई एम हिंदू। तो शशि थरूर जो है वो, उनकी काफ़ी सारी बुक्स है जो टीसीएस हर बार अपने एग्जामिनेशन में एक ना एक पूछ लेती है, तो उसकी लिस्ट जो है वो आपको रेडी करनी है और सारी की सारी बुक्स याद करनी है। अराउंड 15-20 बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार टीसीएस जो है अपने एग्जाम्स में पूछती है, राइट। चलिए आगे चले। हाँ जी, तो ये बुक जो है ये किस बारे में है, ये किसके बारे में है, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है, और कुछ सोशल कल्चर डेवलपमेंट्स जो हुई है इंडिया में उसके बारे में डिस्क्राइब करती है ये बुक, जिसका नाम है वाई आई एम हिंदू और लिखी है किसने, शशि थरूर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द भगवद गीता इंटू इंग्लिश वॉज डन बाय। भगवद गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस क्या दिए आपको, विलियम जॉन्स, कॉल ब्रूक, चार्ल्स विल्किंस या मैक्स मुलर। राइट, चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था भगवद गीता का, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, राइट। हाँ जी, और भगवद गीता लिखी किसने है, भगवद गीता लिखी है वेद व्यास ने। कौन सी लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई है, संस्कृत में, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने वर्सेस हैं इसमें, श्लोक है कितने, 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, और 1400 पंक्तियां हैं, 1400 लाइंस है, 1400 लाइंस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोएट रामधारी सिंह दिनकर वॉज अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच ऑफ हिज फॉलोइंग बुक्स। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संस्कृति के चार अध्याय, पूर्वशी, रश्मि रथी या कुरुक्षेत्र। हाँ जी बताइए क्या है इसका आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, उनकी कौन सी रचना के लिए, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 203, राइट, जो बी कह रहे बिल्कुल सही है, उर्वशी के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो जो नेशनल पोएट है रामधारी सिंह दिनकर, अवार्ड वॉज अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर उर्वशी, ठीक है। इसके अलावा जो जी शंकर कुरूप है वो एक मलयालम पोएट है, इनको सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1965 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसे मिला था, कौन से पोएट को मिला था। तो आंसर क्या होगा, जी शंकर कुरूप, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अकिता अच्युतम नंबूत्री जो है उनको 55th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुकी है टीसीएस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला वॉज अ फिक्शन नॉवल रिटन बाय, निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास है, फिक्शियस नॉवल है, फिक्शन नॉवल है। हाँ जी, निर्मला किसने लिखी है, क्या ऑप्शंस दिए आपको, वैकोम मोहम्मद बशीर, कमला दास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये नॉवल लिखी है, नाम है निर्मला। बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है और इनकी काफ़ी सारी जो नॉवेल्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो पूछा जा चुका है वो कौन कौन से हैं, कर्म भूमि के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, गोदान पूछा जा चुका है, इसके अलावा ईदगाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी आप याद रख लीजिए, जैसे कि कफन, फूस की रात, ठाकुर का कौन, नमक का दरोगा और बड़े भाई साहब, ठीक है। ये भी सब नॉवेल्स जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है, और गोदान, ईदगाह जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट ऑथर्ड बाय अमृत्या सेन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से पोएट की इनमें से रचना नहीं है, बुक नहीं है। जैसे कि यहाँ पूछा है अमृत्या सेन की बुक इसमें से कौन सी नहीं है, ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है पॉवर्टी एंड फेमिनिन्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 205 है, राइट, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो अमृत्या सेन ने नहीं लिखी है, इसके अलावा जो बाकी तीन हैं वो तीनों अमृत्या सेन ने लिखी है। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ये लिखी है नीलकंठ रथ ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु कंपोज द फेमस तमिल एपिक मनी मेकलई। हाँ जी, ये एक महाकाव्य है तमिल में, मनी मेकलई, ये किसकी रचना है, किसने लिखी है, ये आपको बताना है। हाँ जी बताइए, ऑप्शंस क्या दिए हैं, नाथ कुठानार, तिरोकातार इवार, इलांगो अदीगल या सत्तानार। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 206 राइट, सत्तानार, ठीक है, सत्तानार ने ये लिखा है मनी मेकलई, राइट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देवदास अ फेमस नॉवल वॉज रिटन बाय, देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस क्या दिए आपको, समुद्रगुप्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी बताइए, राइट, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर, उपन्यास है, नोवल है, एक बंगाली रोमांटिक नोवल है, रोमांस नोवल है, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, पुस्तक के लेखक कौन है, चरण सिंह, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन या अमिया कुमार बागची। राइट, चरण सिंह इसका सही आंसर है। तो चरण सिंह ने ये बुक लिखी है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, ठीक है। तो जो चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह जो है, वो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, हिस्टोरियन है, राइट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल एंड एडिटेड द बुक ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर पुस्तक का आंकलन, ठीक है, कंपाइलेशन और संपादन किसने किया, एडिट किसने करी ये बुक, ये आपको बताना है। कृष्णा कृपलानी, आर के प्रभु, भरत कुमारप्पा या एम एस देशपांडे। राइट, कृष्णा कृपलानी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कृष्णा कृपलानी जो है उन्होंने कंपाइल किया है इसको, ठीक है, और एडिट किया है।
अच्छा, इसमें किस चीज की कंपाइलेशन है? महात्मा गांधी की जितनी भी राइटिंग्स हैं उनको वहां से सेलेक्ट करके कंपाइल किया गया है और एडिट किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट्स द वर्क ऑफ, पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसकी कृतियों का दस्तावेजीकरण करती है? हाँ जी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी? राइट, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये इंडिया के, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द लिटरेरी वर्क मृच्छकटिका, साहित्यिक कृतिक मृच्छकटिका के लेखक कौन थे? शूद्र, श्रीहर्ष, कालिदास, चाणक्य? हाँ जी, बताइए, मृच्छकटिका के ऑथर का नाम पूछा है आपसे। राइट, शूद्र, शूद्र जो है वो इसके ऑथर है। मृच्छकटिका मतलब क्या है इसका? द लिटिल क्ले कार्ट, लिटिल क्ले कार्ट इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब निकलेगा द लिटिल क्ले कार्ट, और वैसे इसका क्या नाम है? मृच्छकटिका। किस कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। कब लिखी थी? 2nd century BC में। मेन इसका थीम क्या था? प्ले है ये मृच्छकटिका, मेन थीम था पोवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल थीम, मतलब पोवर्टी जो है इसकी सेंट्रल थीम थी, मेन थीम थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस कन्नड़ प्ले तुगलक विच इज ऑल्सो स्टेज्ड इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस? देखिए, एक बहुत फेमस कन्नड़ प्ले था तुगलक, तुगलक मोहम्मद तुगलक के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, जो खिलजी के बाद आए थे, राइट, स्लेव डायनेस्टी जब आपने आप पढ़ते हो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन, फिर खिलजी, फिर तुगलक आया, मोहम्मदीन तुगलक, तो उसी के बारे में ये प्ले है, ठीक है, कन्नड़ प्ले है और नाम भी उसका तुगलक है, ठीक है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, बाद में जो है वो स्टेज पे परफॉर्म किया गया, बट ओरिजिनली जो है वो कन्नड़ प्ले है। तो आपसे पूछा है इस प्ले के ऑथर का नाम, ऑप्शंस क्या दिए हैं? चंद्रशेखर चैम्बर, शिव के कुमार, गिरीश कर्नाड, मस्ती वेंकटेश अयंगर? हाँ जी, बताइए। राइट, गिरीश कन्नड़, गिरीश कन्नड़ है इसके ऑथर का नाम, ठीक है। हाँ जी, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके टाइम पे रूल, जो उन्होंने किस तरह से रूल किया, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी और कहाँ कहाँ पर वो फेल हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो प्ले के थ्रू दिखाई गई है। फेमस प्ले है गिरीश कन्नड़ का, ठीक है, और ये बाद में बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी जो है वो स्टेज पे परफॉर्म किया गया था। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हैज बीन रिटन बाय, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस क्या दिए आपको? सत्येंद्र नाथ बोस, जे वी नालिकर, सी वी रमन, स्टीफन हॉकिंस? ऑप्शंस है, ऑप्शंस बता चुके हैं मैं, क्वेश्चन नंबर है 213। राइट, स्टीफन हॉकिंस ने ये लिखी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, साइंटिस्ट है बहुत बड़े, ठीक है, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, बिग बैंग टू ब्लैक होल ये भी उन्होंने ही लिखा है, ठीक है, ये पूरा नाम है बुक का, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल, ये पूरी बुक है, कॉस्मोलॉजी पर लिखा है उन्होंने। राइट, इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, जैसे कि ग्रैंड डिज़ाइन, यूनिवर्स इन नटशेल, ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है इस बुक के बारे में भी, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स, हाउ टू मेक अ स्पेसशिप, द इलस्ट्रेट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारी बुक्स जो है वो लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इनके बारे में सभी जानते हैं, मलाला यूसुफ के बारे में पूछा है, मलाला यूसुफ हैज पेंड अ बुक ऑन रिफ्यूजी गर्ल्स टाइटल, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है, शीर्षक आपको बताना है, टाइटल बताना है उस बुक का, वी आर एक्सप्लॉयटेड, वुमेन डेप्रिवेशन, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिप्राइव्ड? हाँ जी, मलाला यूसुफ
पाकिस्तान में रहने वाली थी, बाद में जो तालिबान जो थे टेररिस्ट, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया और जो है उनके सर में गोली लगी। बाद में वो अभी जो है यूके में रहती हैं, भाग गई थी, अपना जो है कंट्री छोड़कर चली गई थी, जाना पड़ा उनको। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है उनके बारे में, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मलाला यूसुफ को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, अभी तक की यंगेस्ट रह चुकी है वो जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं। हाँ जी, क्या है टाइटल उनकी बुक का नाम? राइट, वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, रिफ्यूजी गर्ल्स के बारे में उन्होंने ये बुक लिखी थी, राइट? हाँ जी, ठीक है। कब आई थी ये बुक? उनको जो नोबेल पीस प्राइज है ये मिला था 2014 में। ठीक है, अभी तक की 17 की एज में उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, तो अभी तक की यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज रेसिपिएंट वो रह चुकी है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रॉट द बुक वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन? ये बुक है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन, ये बुक के ऑथर का नाम बताना है आपने। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शंस जो है वो एग्जाम में नहीं दिया गया था। राइट आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको यही याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बुक लिखी थी, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाय स्वदेशी बॉटनिस्ट। हाँ जी, ये बुक है सिस्टमा नेचर, ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट ने लिखी थी, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? कार्ल पीटर थनबर्ग, गोरन रॉटमैन, एडर्स डेल या कार्ल लीनियस। हाँ जी, बताइए क्या है इसका आंसर? राइट, कार्ल लीनियस। तो कार्ल लीनियस ने ये बुक लिखी थी सिस्टमा नेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उन्होंने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने डिस्कवर किया था, तो आंसर क्या होगा? कार्ल लीनियस। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, स्वीडन के थे और बॉटनिस्ट थे। ठीक है, पौधों पे काम करते थे। क्या चीज़ आइडेंटिफाई किया था, किसलिए फेमस थे, उनका जो काम था वो क्या था? आइडेंटिफाई, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? आपको बताना है इसमें से कौन सी बुक है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। ऑप्शंस दिए हैं विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये उन्हीं की है। इग्नाइट माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये भी उन्हीं का है। इंडिया 2020, अ विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब ऑप्शन बचे आपके पास सी और डी, इन दोनों में से कोई एक है जो अब्दुल कलाम जी ने नहीं लिखी है, जल्दी से बताइए। राइट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये अब्दुल कलाम जी ने नहीं लिखी है। ठीक है, इसके अलावा जो तीनों बुक्स हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही लिखी है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, राइट? इसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं जो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है वो सब यहाँ पे दी गई है, जैसे अनरिलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, ल्यूमिनस पार्क, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, ये वाला आ चुका है, राइट? अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, टारगेट 3 बिलियन, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी वॉज रिटन बाय, दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 218, ऑप्शंस क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, चांद मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और प्रेमचंद। हाँ जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। दुर्गेश नंदिनी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंगाली नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे चले।
इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है, इसके अलावा उन्होंने लिखा है आनंद मठ। तो आनंद मठ जो है वो भी उन्होंने लिखा था 1882 में, जबकि जो दुर्गेश नंदिनी है ये उन्होंने लिखा था 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी। जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, काशी बाबा, ईवी रामास्वामी नायकर या ज्योतिराव गोविंद राव फुले। हाँ जी बताइए। राइट, ज्योतिराव गोविंद राव फुले जो है इन्होंने लिखा है ये, ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है गुलामगिरी, जिसमें जो इनजस्टिस है कास्ट सिस्टम को लेकर वो बताया गया है। कब लिखी थी ये बुक? 1871 में, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी फेमस बुक है ज्योतिराव गोविंद राव फुले की? वो है गुलामगिरी कर चुके हैं, एक है श्वेत कार्य च असुत और कल्टिवर्स विपकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ। ये जो बुक है द कैपिटल एंड ग्रोथ, ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं ए आर रेडन, एडम स्मिथ, जेम्स मार्शल या जॉन हिक्स। हाँ जी बताइए। राइट, ये लिखा है जॉन हिक्स ने, ठीक है। बुक का क्या नाम है? कैपिटल एंड ग्रोथ। तो सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने ये बुक लिखी है। किस चीज पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेथड ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी फेमस पोएट हैं कर सकते हैं, वो आ सकते हैं इसके अंदर। डांसर्स पूछा जा सकता है, फेमस डांसर्स पूछा जा सकता है, कि नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। सिंगर्स दिया जा सकता है आपको, और फेमस पर्सनालिटीज़ में रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से जो है वो कहाँ के सेक्रेटरी हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आ सकता है एडम स्मिथ के बारे में, ठीक है, फेमस इकोनॉमिस्ट जितने भी रह चुके हैं उनके बारे में, हिस्टोरियंस जितने हैं वो आ सकते हैं इसके बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटीज मतलब कि हर फील्ड में जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं TCS ने, वो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का नाम पूछा है फेमस। हाँ जी बताइए, शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिंदा खान, साजिद हुसैन या निखिल बैनर्जी। हाँ जी बताइए। राइट, ए शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक है, ठीक है, प्रसिद्ध संतूर वादक है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है ये, इंडियन म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं ये। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन आया राम गया राम बिकेम पॉपुलर इन पॉलिटिकल वोकैबुलरी इन इंडिया टू डिस्क्राइब। अभिव्यक्ति आया राम गया राम भारत में राजनीतिक शब्दावली में किसका वर्णन करने के लिए लोकप्रिय हो गई? जयलाल, दुर्गेश लाल, विपिन लाल, गया लाल। हाँ जी बताइए। राइट, गया लाल, ठीक है। चले आगे, हु लेड द रेलवे स्ट्राइक इन 1974। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? क्या ऑप्शंस दिए आपको? जेपी नारायण, एसपी मुखर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस या मोरारजी देसाई। राइट, जॉर्ज फर्नांडिस इसका सही आंसर है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है इन्होंने स्ट्राइक की थी, रेलवे स्ट्राइक 1974 में, ठीक है। इनको मिल चुका है पद्म विभूषण इन 2020, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यंगेस्ट एवर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। हाँ जी, आपसे पूछा है सबसे कम उम्र के यूनिसेफ के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? प्रियंका चोपड़ा, मिली बॉबी ब्राउन, लूनी मेसी या लिली सिंह। क्या है इसका आंसर? राइट,
मिली बॉबी ब्राउन। तो मिली बॉबी ब्राउन जो है अभी तक की सबसे यंगेस्ट यूनिसेफ की एम्बेसडर रह चुकी है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएस में। प्रियंका चोपड़ा भी यूनिसेफ की एम्बेसडर रह चुकी है, कब बनी थी 2016 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से किसने ताजमहल पैलेस होटल जो मुंबई है जहाँ पर अटैक भी हुआ था, कसाब ने जो एक टेररिस्ट था अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर अटैक किया था। सबने डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखी है इसके बारे में, ठीक है, सबको पता है। तो आपको बताना है कि वो जो ताज पैलेस होटल है वो किसने बनवाया था। उस होटल को बनवाने के लिए इंडियन और यूरोपियन स्टाइल्स दोनों का ही यूज़ किया गया था। उसके आर्किटेक्ट में इंडियन स्टाइल भी है और यूरोपियन स्टाइल भी है। हाँ जी, तो हु बिल्ड द ताजमहल पैलेस होटल एट मुंबई बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स। ऑप्शंस हैं रतन टाटा, जमशेद जी टाटा, डी टाटा, जे आर डी टाटा। हाँ जी बताइए। राइट, जमशेद जी टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने जो है ये होटल बनवाया था। राइट, हाँ जी। और क्या है, जमशेद जी टाटा इज रिगार्डेड एज अ लेजेंडरी फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। यूएन के एट सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है। यू थॉन्ट, एंटोनियो गुटेरेस, बान की मून, कोफी अनन। क्वेश्चन नंबर 226। राइट, बान की मून। बान की मून जो है ये जो है एट सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएन के। ठीक है, अभी जो करंट के सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। सत्यजीत रे, पृथ्वीराज कपूर, दादा साहेब फाल्के या राज कपूर। हाँ जी बताइए। राइट, दादा साहेब फाल्के। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिलता है, ठीक है, अभी तक का फिल्म में सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में। तो दादा साहेब फाल्के जो है इनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली मूवी बनाई थी जो कि फुल हिंदी फीचर फिल्म थी इंडिया की। ठीक है, उस फिल्म का नाम था राजा हरीशचंद्र। 1913 में बनाई थी, 1913 में उन्होंने वो मूवी बनाई थी। और वो जो फिल्म थी इज नाउ नोन एज इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बान की मून द एट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज फ्रॉम। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव हैं और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस क्या दिए आपको, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया, बताइए। राइट, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के हैं ये। राइट, हाँ जी हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है। हाँ जी, हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि भारत का दूध वाला उसे कहा जाएगा जिसकी वजह से भारत में आया वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, बुक्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है। इस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि उनका क्रेडिट जो है वो किसे जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको, अर्जुन देव, वर्गीस क्यूरिन, चरण सिंह, मनोज कुमार। क्या है इसका आंसर। राइट, वर्गीस क्यूरिन। तो वर्गीस क्यूरिन जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। अच्छा, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है उनमें नाम आता है नॉर्मन बोरलॉग का एंड एम एस स्वामीनाथन का। राइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क वाइट कलर का होता है तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है उस टाइम में बहुत बढ़ गई थी इनकी वजह से, तो इसलिए इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला गया। और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं नॉर्मन बोरलॉग और ये एम एस स्वामीनाथन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये दोनों भी साइंटिस्ट हैं और इनकी वजह से आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि उस टाइम पे जो है प्रोडक्शन
फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कौन से दो फूड थे, कौन से दो क्रॉप्स थी जिनकी प्रोडक्शन बहुत, पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो थी वीट एंड राइस। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एक वीट था और एक राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस सिंगर एंड भारत रत्न अवार्डी भूपेन हजारिका बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, असम, नागालैंड, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? राइट, असम इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत रत्न मिला है उनको 2019 में और असम से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल, हु सेड दिस? संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था, यह किसने कहा था? यूथान, कुर्ट वॉल्डेम, डैक हैमर्सजॉल्ड या फिर कॉफी ए आनंद? राइट, डैक हैमर्सजॉल्ड ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हु इज ए साइबेरियन ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर बोर्न विद टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम, अ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ऑल फोर लिम्स? हाँ जी, एक साइबेरियन ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम आपको बताना है, जो पैदा हुए हैं एक सिंड्रोम के साथ, एक बीमारी के साथ जिसको बोला जाता है टेट्रा अमेलिया, जिसके अंदर चारों लिम्स, दोनों हाथ दोनों पांव जो है वो नहीं होते, एब्सेंस होते हैं, मतलब होते ही नहीं है। तो कौन है वो मोटिवेशनल स्पीकर जिनको ये सिंड्रोम है टेट्रामेलिया? लीसा निकोल्स, निक वुजिसिक, टॉनी रॉबिन्स या डेव रामसे? अभी ये क्वेश्चन आया है पिछले ही साल आरबी एनटीपीसी 2021 में इवनिंग शिफ्ट में। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 232। राइट, निक वुजिसिक। ठीक है, रिज निक वुजिसिक जो है उनको ये सिंड्रोम है टेट्रामेलिया और वो मोटिवेशनल स्पीकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द हिंदी लिटरेरी राइटर मुंशी प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद जो है उनका रियल नेम क्या है, ये आपसे पूछा है। नवाब राय, आत्माराम, सचिदानंद या धनपत राय? राइट, धनपत राय उनका जो है वो रियल नेम है। ठीक है, रियल नेम ऑफ हिंदी लिटरेरी राइटर मुंशी प्रेमचंद वॉज धनपत राय श्रीवास्तव, ये उनका पूरा नाम है, रियल नाम है। कौन कौन से नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं ये पीछे भी हम कर चुके हैं, करम भूमि, कफन गोदान, फूस की रात, ये मैं पीछे करा चुकी हूँ। निर्मला के बारे में अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कब उनका जन्म हुआ? 31 जुलाई 1880, कहाँ पर? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदाधर चट्टोपाध्याय वॉज द नेम ऑफ, गदाधर चट्टोपाध्याय का नाम क्या था? स्वामी प्रभुपद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या श्री अरबिंदो? बताइए। राइट, रामकृष्ण परमहंस उनका जो था वो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय का। ठीक है, हिंदू मेजिस्टिक और सेंट रह चुके हैं, रिलीजियस लीडर हैं बंगाल में। कब उनका जन्म हुआ? 18 फरवरी 1836 में। साथ ही यहाँ पे आप एक और चीज़ याद कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है, उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में कैलकटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच काउंसिल रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग अगेंस्ट पाकिस्तान डिसीजन ऑफ अवॉर्डिंग द डेथ सेंटेंस टू कुलभूषण जाधव? ठीक है, कुलभूषण जाधव के बारे में सबको पता है कि पाकिस्तान में वो पकड़े गए थे और उनके ऊपर केस चला था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस वकील ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? भारत की तरफ से कौन जो है उस केस को हैंडल किया था, किसने हैंडल किया था? मुकुल रोहतागी,
हरीश सालवे, अमन लेखी या कपिल सिब्बल? बताइए। राइट, हरीश सालवे उसका सही आंसर है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? आपसे पूछा है इनमें से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय सबसे उम्र दराज था? ऑप्शंस दिए हैं आपको, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। राइट, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ऑथ लिया था, तो उनकी एज थी 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी गई है, जैसे कि मोरारजी देसाई वॉज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन वाइल इन ऑफिस। मोरारजी देसाई पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सबको इसके बारे में पता है कि दादा भाई नरोजी को बोला जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राइट, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी एक, ठीक है, और एक बुक भी लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आता है और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जो है बार बार पढ़ते आ रहे हैं अपनी सीरीज में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो अभी तक तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दादा भाई नरोजी वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट थे। ठीक है, जुलाई 1892 में नरोजी हैड बिकम द फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1892 में दादा भाई नरोजी जो है सबसे पहले एशियन बने जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, सोनल मान सिंह इज फेमस फॉर? सोनल मान सिंह जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? सिंगिंग, एक्टिंग, प्लेइंग या डांस? वो सिंगर है, एक्टर है, प्लेयर है या डांसर है? हाँ जी, डांसर है वो, क्लासिकल डांसर है और वो उड़ीसा से बिलोंग करती है, सोनल मान सिंह। ठीक है, चले आगे। हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी। बताइए। राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जन्म कब हुआ इनका? इनका जन्म हुआ 1875 में गुजरात में। राइट, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूज फेमस कोट इज दिस? किसका ये फेमस कोट है? इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, योर टीयर विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार। ये किसकी प्रसिद्ध बोली है? यदि आप रोते हैं क्योंकि आपके जीवन से राशि समाप्त हो गई है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से रोकेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, सुमित्रा नंदन पंत या श्री अरबिंदो? हाँ जी, बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 240 पर हम पहुंच चुके हैं। राइट, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि अगर आप रोते रहेंगे तो आपके आंसू जो है आपको तारे देखने से रोकेंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रॉट इन इंग्लिश एज कमला दास, बट वेन शी रॉट इन हर मदर टंग, व्हाट वॉज द नेम शी यूज? उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के रूप में लिखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा तो उन्होंने किस नाम का इस्तेमाल किया? अम्बई, माधव विकुट्टी, वसंती, अरुंधति राय। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 241। राइट,
माधवी कुट्टी, ठीक है। जब वो अपनी मदर टंग में लिखती हैं तो उनका नाम है माधवी कुट्टी, और इंग्लिश में लिखती हैं तो कमला दास, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन, ये सभी को पता है। ऑप्शंस देख लेते हैं फिर भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी जयल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। राइट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वो, और उनको बोला जाता है मिसाइल मैन। क्यों? क्योंकि उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोजेक्ट। कौन सी दो मिसाइल उन्होंने बनाई? पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said the only hope of India is from the masses? The upper classes are physically and morally dead. ये किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, जो उच्च वर्ग जो है वो शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुके हैं? अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? क्वेश्चन नंबर 243, राइट, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लास आर फिजिकली एंड मोरली डेड। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मासेस हैव मस्ट हैव टू बी अराउज, जो लोग हैं उनको जगना पड़ेगा और पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा टू विन फ्रीडम फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे उन्होंने ये कथन जो है वो कहा था, ठीक है, राइट। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन? किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष? राइट, अरबिंदो घोष ने ये कहा था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, ठीक है। कौन थे अरबिंदो घोष? ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, योगा गुरु, महर्षि, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक इज एसोसिएटेड विद विच एमिनेंट पर्सनैलिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग? आपसे पूछा है कटक इनमें से कौन सी एमिनेंट पर्सनैलिटी है जिससे एसोसिएटेड है? कटक जो है सिटी है उड़ीसा में, ठीक है, तो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जो वहाँ से बिलोंग करती है? ऑप्शंस दिए हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 245, राइट, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर है, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1897 इन जानकीनाथ भवन, जो कहाँ पर लोकेटेड है? उड़िया बाजार इन कटक, उड़ीसा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर आर पुअर एंड मिजरेबल? किसने ये कहा था कि कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता है, उसके सदस्यों का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी है? बताइए, जगदीश भगवती, एडम स्मिथ, अमृत्या सेन या जीन ड्रेज? राइट, एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा था, और उनकी एक फेमस बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बारे में पूछा जाता है और उनको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हु वॉज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आंसर होगा एडम स्मिथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था, दादा साहेब फाल्के इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला हिंदी फीचर फिल्म बनाया था इन 1913, ठीक है, आगे चले। हाँ जी, फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे मिला था? वो मिला था देवकी रानी को इन 1969। फिर उसके बाद 2019 में रजनीकांत को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिर अमिताभ बच्चन को मिला है 2018 में, एंड विनोद खन्ना को मिला है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर
बिंदेश्वर पाठक इज एसोसिएटेड विद द, आपको पूछा है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शंस क्या दिए आपको, ऑप्शंस दिए हैं फार्मिंग, फार्मिंग कम्युनिटी, सुलभ टॉयलेट मूवमेंट, बचपन बचाओ आंदोलन, वुमेन्स मूवमेंट। हाँ जी बताइए। राइट, सुलभ टॉयलेट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। हाँ जी, तो ही एस्टैब्लिश द सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट, सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था 1970 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनमें से किसे आधुनिक भारत की मीरा के रूप में जाना जाता है। आशा पूर्ण देवी, कमला दास, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा। मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो है उनको जाना जाता है मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया की तरह, ठीक है। शी वॉज अ मेजर पोएट ऑफ द छायावाड़, छायावाड़ की मेजर पोएट थी वो, ठीक है। हिंदी में पोएट्स पोएम्स लिखती थी, ठीक है। आगे चले चलिए, हाँ जी, तो इस सेशन में आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं फेमस पर्सनालिटी से, तो एक नया टॉपिक फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज, तो इम्पॉर्टेंट डेज से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज से आपको सारे डेज याद रखने हैं, पॉल्यूशन डे, एनवायरमेंटल डे, एड्स डे, ये तो सबको पता है। इसके अलावा यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता है, वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट होता है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, और कुछ ऐसे भी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करना और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखकर ज़रूर जाना, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है इसका। व्हाट इज़ नेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड, डांस डे पूछा है आपसे, नेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट होता है, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या 30 अप्रैल। हाँ जी बताइए, राइट, 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल डांस डे जो है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है। किसने क्रिएट किया ये, ये क्रिएट किया है डांस कमिटी ने ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनेस्को ने, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको पता चला होगा कि कोई पर्टिकुलर अगर टॉपिक है तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं, कौन से बुक्स हैं, कौन से ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं तो किस फील्ड्स की फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ही पता चलेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज वाला टॉपिक जो है हम अगले सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेज आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि TCS ये क्वेश्चंस बार बार पूछती है। और भी अच्छी तैयारी करने के लिए आप पिनाकल की वेबसाइट पे जाके टेस्ट पास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने से मिलते हैं आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको दो फायदा होगा, एक तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या आप उतनी स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रख पा रहे हैं। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है, तो उस कमी को ढूंढिए और ठीक कीजिए, ठीक है। तो वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट पास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।